नमस्कार दोस्तों, जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके हमारे सहयोग कीजिए। आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आए जी, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से, रेलवे की तरफ से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आए हैं। कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करें, क्योंकि वीडियो स्किप करते आपकी इन्फॉर्मेशन मिस होने वाली है। ठीक है जी, कौन सी अपॉर्चुनिटी है जी शेयर करने जा रहे हैं? SECR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे अप्रेंटिसशिप की पोस्ट है जी। रेलवे की अप्रेंटिसशिप जो कि 25 अप्रैल से अप्लाई होने स्टार्ट हो चुके हैं और 24 मई इसकी लास्ट डेट है। इसमें बात कर लेते हैं जी एज लिमिट के बारे में, तो 24 साल एक साथ तक आपकी एज होनी कंपलसरी है। ठीक है जी, और उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो आपकी इसमें पोस्टें बहुत है जी, 1033 पोस्टें हैं। ITI की अप्रेंटिसशिप है, इसमें ITI रिलेटेड ट्रेड्स में होनी जरूरी है। और सिलेक्शन की बात करें, आपके ITI के मार्क्स पर डिपेंड करेगा, नंबरों के बेस पर ही, आपके मार्क्स के बेस पर ही आपकी मेरिट लिस्ट लगेगी। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका मेडिकल एग्जामिनेशन रहने वाला है। ठीक है, ये सारी की सारी डिटेल ऑनलाइन है जी, कोई भी ऑफलाइन नहीं है। ये आप देख सकते हो यहाँ पर ऑफिशियली नोटिफिकेशन, ये सारे का सारा आपको देखने को मिल जाएगा। यही नोटिफिकेशन पहले खोल रखा था, यही नोटिफिकेशन अब आपको ओपन करके दिखा दिया है। सेम नोटिफिकेशन है जी, कोई डिफरेंस नहीं है, यही नोटिफिकेशन है। आप खुद भी चेकआउट कर सकते हो। रायपुर की तरफ से साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अप्रेंटिसशिप ITI वालों के लिए है जी। ठीक है, इसमें बात कर लेते हैं। और इसमें देख सकते हो, अगर कोई कैंडिडेट कहता है मेरे को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो इन नंबर्स पर आप कंसर्न कर सकते हो। अब बात करते हैं पोस्टों के बारे में जो कि 25 अप्रैल से लेकर 24 मई तक अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अप्रेंटिसशिप के लिए जिन कैंडिडेट ने ITI की है और पहले कभी भी अप्रेंटिस नहीं की हुई, सिर्फ उन्हीं के लिए ये पोस्टें हैं जी, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। ऑफिस वाइज अलग अलग पोस्टें हैं जी। DRM ऑफिस रायपुर डिवीज़न की पोस्ट है जी, इसमें बात करें ये इनका कोड है। इसमें बात करें वेल्डर के लिए जनरल की 48 है, इकोनॉमिक विकास सेक्शन की 12 है, OBC की 32 है, SC की 18 है, ST की 9, टोटल में 119 पोस्टें हैं। PWD की 5 हैं, एक्स सर्विसमैन की 12 पोस्टें अलग से रिजर्व्ड हैं। इसी तरह टर्नर फिटर इलेक्ट्रिशियन स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश कंप्यूटर कोपा की, हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर मशीनिस्ट मैकेनिकल डीजल मैकेनिकल मैकेनिक रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर मैकेनिक एंड इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की अलग अलग पोस्टें, टोटल में 696 पोस्टें आपको देखने को मिलने वाली हैं। ठीक है जी, 1330 पोस्टें टोटल में बताएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करें वैगन रिपेयर शॉप रायपुर, ये इसका कोड है। इसमें फिल्टर की वेल्डर की मशीनिस्ट टर्नर इलेक्ट्रिशियन कोपा और स्टेनोग्राफर हिंदी की टोटल में 137 पोस्टें हैं जी। कितनी है जी? 337 पोस्टें। कैटेगरी वाइज जरूर नोट डाउन कीजिएगा। अब बात करते हैं इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, ये चीज़ है जी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर ध्यान दीजिए। 10वीं होनी जरूरी है और उसके साथ अंडर प्लस टू के सिस्टम के इक्विवेलेंट होना जरूरी है 50%, यानी कि 12वीं भी आपकी मांगी हुई है, 50% मार्क्स भी मांगे हुए हैं। और ITI रिलेटेड ट्रेड में जिस ट्रेड के लिए अप्लाई करोगे, जैसे सैनिटरी इंस्पेक्टर, तो सैनिटरी इंस्पेक्टर में आपकी ITI होनी जरूरी है। एज लिमिट की बात करें तो आप 15 साल कंप्लीट हो चुके होने चाहिए आपकी एज, यानी कि 15 से लेकर 24 साल एज, ज़्यादा से ज़्यादा 24 साल एज एक साथ तक होनी कंपलसरी है। रिलैक्सेशन की बात करें SC ST कास्ट के लिए 5 साल, OBC 3 साल, एक्स सर्विसमैन PWD के लिए 10 साल की रिलैक्सेशन मिलने वाली है। और जनरल कैटेगरी SC ST OBC PWD एक्स सर्विसमैन के लिए इन डेट्स के बीच में आपका बर्न हुआ होना चाहिए, यानी कि जन्म आपका हुआ होना चाहिए। ये अप्रेंटिसशिप की बात है जी, ये अप्रेंटिसशिप की परमानेंट जॉब नहीं होती, क्योंकि कई कैंडिडेट्स के अभी भी डाउट रहता है भी सर परमानेंट होती है, परमानेंट जॉब नहीं होती, ये एक साल की अप्रेंटिसशिप आपकी होती है। कितने की जी? एक साल की ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप होती है। इसमें काम भी सिखाया जाता है और आपको स्टाइफंड भी दिया जाता है। और एक जरूर ध्यान दीजिए, मेरिट लिस्ट में आपके कम से कम ITI में मेरिट लिस्ट में नाम आने के लिए 50% मार्क्स होने जरूरी हैं, 10वीं में और ITI में भी इतने तकरीबन होने जरूरी हैं। इससे ज़्यादा होंगे तो आपका बढ़ जाएगा काम। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट बात करें तो अप्रेंटिसशिप है, एज ए आप एम्प्लॉयर रहोगे।
ठीक है जी, विद द एम्प्लॉयर के साथ जो कि परमानेंट है उनके साथ आप वर्क करोगे, ठीक है। एक्स सर्विसमैन के लिए 10% रिजर्वेशन रहने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान दीजिएगा, 25 अप्रैल तक आप से अप्लाई करके 24 मई तक आप अप्लाई कर सकते हो जी, ठीक है जी। 24 मई रात के 12 बजे तक अप्लाई करोगे। किस पोर्टल पर? apprenticeshipindia.org के पोर्टल पर। उस पर आपको SECR करके आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर आपने अप्रेंटिसशिप के लिए अप्लाई कर देना है, ठीक है जी। ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। हाँ, अब बात करें तो कंसर्न करने के लिए कोई क्वेरी राइज करनी है या कुछ इंफॉर्मेशन लेनी है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक आप कंसर्न कर सकते हो। अगर ऑफिशियली जाके फिजिकली मोड में कंसर्न कराना है तो ये ऑफिस एड्रेस भी इन्होंने बता दिया है आपको, ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट बात करें, ये हिंदी में सारे का सारा नोटिफिकेशन है, कैसे आपने अप्लाई करना है। अगर कोई इंग्लिश में नहीं जानता, ये 3 पेज इंग्लिश में हैं, 3 पेज इंग्लिश में नहीं समझ आते तो आप हिंदी में भी चेकआउट कर सकते हो। और उसके बाद अप्लाई का लिंक बताने से पहले एक जिक्र और करेंगे, ये ज़रूर ध्यान दीजिए, इसमें आपके लिए ये चार ऑप्शन पाँच आपके लिए एक्टिव कर दिए गए हैं। कौन कौन से हैं जी? एक नंबर है जी रिजल्ट, एडमिट कार्ड, सिलेबस और आंसर की। ये ऑफिशियली वेबसाइट का अपने चैनल की ऑफिशियली वेबसाइट है जी, इसमें एग्ज़ाम जॉब अलर्ट ऑफिशियली, इसमें फ़िलहाल रिजल्ट, एडमिट कार्ड, सिलेबस और आंसर की शुरू की है। बाकी डिपार्टमेंट के हिसाब से पोस्टिंग भी मेन शुरू कर दी है, बाकी डेली की डेली 8-8, 10-10 पोस्टें हो जाती है, सारी की सारी आपके साथ शेयर कर देंगे अभी, बट अभी अंडर प्रोसेस ये वेबसाइट चल रही है, ठीक है। फिलहाल रिजल्ट देखना चाहते हो तो यहाँ पर आप क्लिक करके रिजल्ट अपना चेक कर सकते हो, किस पोस्ट का रिजल्ट ताज़ा आया जी। और उसके बाद एडमिट कार्ड, किस किस पोस्ट का एडमिट कार्ड आया, वो पोस्ट जैसे यूपी का 9534 सब इंस्पेक्टर की पोस्टों का एडमिट कार्ड आ गया है, RBI का 950 पोस्टों का मेन का एडमिट कार्ड आ गया है, ठीक है। इसी तरह आपको सिलेबस भी देखने को मिल जाएगा, ये देख सकते हो पंजाब स्टेट कॉरपोरेशन का, PSPCL का आपको ऑनलाइन फॉर्म का सिलेबस भी हमने प्रोवाइड यहाँ पर करवा दिया है, ये देख सकते हो। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो एक आपको PDF भी मिल जाएगी, PDF डॉक्स फाइल में मिलेगी, यहाँ पर आपको सारे का सारा सिलेबस मेंशन मिल जाएगा, ठीक है जी। अभी अंडर प्रोसेस है इसलिए आपसे कहा भी अंडर प्रोसेस, जैसे ही वर्क और होता है वो भी बताएंगे। सिलेबस के बाद बात आती है जी आंसर की, यहाँ पर आंसर की अपने हिसाब से देख सकते हो, किसी की भी आंसर की आएगी, यानी कि ये चार ऑप्शन आपके लिए एक्टिव अभी फ़िलहाल हो चुके हैं। यहाँ पर एक व्लॉग की जगह आपको एक यूट्यूब का लिंक भी देखने को मिल जाएगा, जिस पर आपको सारी कोई भी अपडेट करते हैं वीडियो की तो वो भी आपको यहाँ पर शो ऑफ कर दी जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं जी हाउ टू अप्लाई, आपने अप्लाई कैसे करना है। ये अप्रेंटिसशिप का पोर्टल है जी, ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर अगर आपने टेक्निकली कोई सपोर्ट लेनी है तो इस पर क्लिक करोगे, ये न्यू ही ऑप्शन एक्टिव हुआ है जी, यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करना है अगर आप न्यू हो। हाँ, यहाँ पर न्यू कैंडिडेट ही एलिजिबल हो पाएंगे, क्या है जी, न्यू कैंडिडेट ही एलिजिबल हो पाएंगे जिन्होंने पहले कभी भी किसी भी डिपार्टमेंट में या एज ए प्राइवेट भी आपने कहीं पर अप्रेंटिस की हुई है जी इस पोर्टल के माध्यम से, तो आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे। दैट क्लियर है जी, एलिजिबल आप तो ही होगे अगर आप फ्रेशर हो, ठीक है, और कोई कैंडिडेट एलिजिबल इसमें नहीं हो पाएगा, ठीक है जी। अब बात करते हैं कहाँ से आपने कैसे अप्लाई करना है। इसमें रजिस्टर पर आपने क्लिक किया, कैंडिडेट पर क्लिक किया, अपना नेम, फादर नेम, रिलेशन, फादर है तो फादर, अगर आप मैरिड हो तो, क्योंकि यहाँ पर तो ऑब्वियसली बात अभी अनमैरिड 24 साल के अनमैरिड ही होते हैं मोस्टली, कई हो भी जाते हैं मैरिड, तो यहाँ पर स्पाउस अपनी पत्नी का नाम भी दे सकते हो। रिलेशन शो करना है, मदर का देना है मदर का नेम दे सकते हो, फादर का देना फादर का नेम। यहाँ पर है डेट ऑफ बर्थ, अपना जेंडर, मेल हो फीमेल हो ट्रांसजेंडर हो, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर अल्टरनेटर मोबाइल नंबर, यानी कि अगर ये नहीं नंबर पर मिलता तो ये नंबर पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। मेल आईडी 2 बार कन्फर्म करनी है, पासवर्ड 2 बार कन्फर्म करना है, आई हैव एग्री पर क्लिक करके सबमिट करना है। और उसके बाद एक आपको ऑप्शन मिल जाएगा साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे का, ठीक है। अगर बाय मिस्टेक आपको नहीं मिलता तो इस नंबर पर आप कंसर्न जरूर कर लीजिए, क्योंकि आज 4 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं फॉर्म ओपन हुए को, तो आपको लिंक मिल जाएगा। और इसमें हमारा सहयोग जरूर कीजिएगा, जो कि आपके साथ मैं वेबसाइट भी शो कर रहा हूँ बार बार,
इसमें हमारा सहयोग जरूर कीजिएगा। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी में मिलने वाली है आने वाले टाइम में, और 5-7 दिन में ये वीडियो लाइव हो जाएगी। जैसे ये मान लीजिए साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की है, ये जो इन्फॉर्मेशन आपको बता चुका हूँ यही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैंने डिस्प्ले कर रखी है ऑलरेडी। SECR अप्रेंटिसशिप रिक्रूटमेंट ऑनलाइन फॉर्म रेलवे अप्रेंटिसशिप वैकेंसी 2022 रेलवे की है जी। RRB RRC ये आप डिपार्टमेंट भी मिल जाएगा, वहाँ पर भी जाकर सर्च कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर स्किल क्या मांगी है जी, 10वीं आपकी 50% से होनी जरूरी है। ठीक है, और इसमें पे स्केल की आपके 5,000 से 8,000 पे स्केल रहने वाला है। रायपुर डिवीजन और वैगन रिपेयर शॉप में आपका रहने वाला है जी। ठीक है, इसमें बात करें ये आपको मेरिट लिस्ट के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। 25 अप्रैल से शुरू है, लास्ट 24 मई इसकी लास्ट डेट है। एज 15 से 24 साल मांगी हुई है। एक साथ तक सिलेक्शन प्रोसेस मेरिट बेसिस पर होगा आपका। क्वालिफिकेशन ITI मांगी हुई है। ठीक है, यानी कि मेन पॉइंट्स आपको यहाँ पर हाईलाइट कर दिए जाएंगे। अगर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। जैसे मान लीजिए इसी पोस्ट को किसी ने अप्लाई करना हो तो यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक कीजिए कर सकते हो, और यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करके अप्लाई भी करवा सकते हो। उसका प्रोसेस आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, आप अप्लाई करोगे और उसके बाद अगर एक्सेप्ट होता है तो आपको थैंक यू का मैसेज आ जाएगा। थैंक यू का मैसेज आते ही आपने उस पर जो पेमेंट मांगी जाएगी, पेमेंट अपने फॉर्म फिलअप करने के लिए वो पेमेंट डालनी है। पेमेंट आते ही आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। आपको टाइम भी मिल जाएगा अभी इस टाइम से इस टाइम के बीच में आप ऑनलाइन हो जाइए, और आपसे जो जो चीज़ें पूछी जाएगी वो आप बता के अपना फॉर्म फिलअप करवा सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो क्वालिफिकेशन आपको देखेगी 10th प्लस में ITI। यहाँ पर आपको वैकेंसी दिखेगी 1,033 वैकेंसी। ये ऑफिशियली वेबसाइट है जी। ठीक है जी, आपके लिए जो लॉन्च हमने की है देख सकते हो। उम्मीद करते हैं आप इसमें भी हमारा सहयोग करोगे, और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी लगी है। इसी तरह की और भी बिग अपडेट्स पाना चाहते हो, चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर चैनल पर पहले से जुड़े हुए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं आप हमारा सहयोग करोगे। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।